हेलो फ्रेंड्स, आज 11 मई को फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, तो उन्हीं रिजल्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 के अंदर कंपनी की जो टोटल सेल है वो 1463 करोड़ रुपीज़ की हुई है, जो कि अब मार्च 2020 के अंदर देखोगे तो 1000 करोड़ की सेल थी। तो 400 करोड़ की सेल को इम्प्रूव किया है। देन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2020 के अंदर 164 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 234 करोड़ का हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। प्लस कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी 1% से इंक्रीज़ किया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 15% का था, बढ़ के 16% हुआ है। बट जब हम अदर इनकम में जाते हैं तो -112 करोड़ की एक एक्सेप्शनल आइटम हमें दिखता है। उस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 20 के अंदर जो 92 करोड़ था वो श्रिंक होके 47 करोड़ दिखता है। तो ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के रिजल्ट को BSE से मैंने डाउनलोड किया है, BSE की वेबसाइट से। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट के अंदर कंपनी ने मेंशन किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम के अंदर कंपनी ने 1098 मिलियन, मीन्स अराउंड 100 करोड़ की जो ये एक्सेप्शनल आइटम दिखाया है, इस वजह से कंपनी का ये प्रॉफिट जो है श्रिंक हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 553 मिलियन दिख रहा है, जो कि मार्च 20 के अंदर आप देखोगे तो 1000 मिलियन का जो प्रॉफिट था। तो इसको एक्सेप्शनल आइटम को समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेप्शनल आइटम को इन्होंने मेंशन किया है नोट 6 के अंदर, तो नोट 6 पे डायरेक्ट चलते हैं। नोट 6 आप ये देख सकते हैं कि कंपनी की एक सब्सिडरी है सोर्स पॉइंट। तो सोर्स पॉइंट का अपनी एक किसी थर्ड पार्टी है, जो जिसे हम काउंटर पार्टी इन्होंने मेंशन किया है। काउंटर पार्टी के साथ एक जो डील हो रखी थी, ऑप्शन के जरिए एक डील हो रखी थी, उसके लिए कंपनी को पे करना पड़ा है थर्ड पार्टी को अराउंड 1150 मिलियन रुपीज़। इस वजह से ये इन्होंने एज ए एक्सेप्शनल आइटम दिखाया है। तो अगर कंपनी का आप कंसोलिडेटेड जो फिगर्स है, अभी हम उन पे हैं, कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखेंगे तो आपको रिजल्ट के अंदर जो डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा मार्च 20 के कंपैरिजन में, हमेशा हम ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, मीन्स मार्च 20 से मार्च 2021, देन जून 2021 के रिजल्ट आएंगे उनको जून 2020 से कंपेयर किए जाते हैं। तो उस तरीके से अगर कंपेयर करें तो 92 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घट के 47 करोड़ का हुआ है ड्यू टू दिस एक्सेप्शनल आइटम। तो अगर स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं, क्योंकि ये जो सोर्स पॉइंट है ये इस कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की एक सब्सिडरी कंपनी है, तो अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं कि क्या कुछ इस पे फ़र्क पड़ा है इसके रिजल्ट पे, या कंपनी ने कहीं कुछ बुरा परफॉर्म किया है, तो मार्च 20 के अंदर 260 करोड़ की सेल थी, वो बढ़ के 406 करोड़ की हुई है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 76 से बढ़ के अराउंड 154 करोड़ हुआ है, दैट इज़ ए गुड। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि 29% था वो 38% हुआ है, अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखते हैं तो। और नेट प्रॉफिट पे अगर आ जाते हैं, इसमें आप देखोगे कि अदर इनकम के अंदर कुछ भी माइनस में नहीं दिखेगा, इवन पॉजिटिव में 9 करोड़ का फिगर आपको दिखेगा, जो कि मार्च 20 के अंदर ओनली 8 करोड़ था। और नेट प्रॉफिट के अंदर आप आओगे तो 51 करोड़ के नेट प्रॉफिट जो मार्च 20 के अंदर थे वो बढ़ के 115 करोड़ के हुए हैं, मीन्स स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी के जो रिजल्ट है उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया है, हमें इंक्रीमेंटल ऑर्डर में देखने को मिले हैं। बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे हैं। बट ये ऐसी चीज़ें, जैसे ये वन टाइम था जो ऑप्शन का जो ये एग्रीमेंट था, जो कि सोर्स पॉइंट के लिए कंपनी ने एग्जीक्यूट किया है, एक्सरसाइज किया है, ऐसी डील्स हमेशा नहीं होती है, तो हमें इसे एज ए नेगेटिव पॉइंट कंसीडर नहीं करना चाहिए। एंड अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखे जाए तब भी कंपनी की सेल्स इंप्रूव हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुआ है। ओनली द केस इज़ द एक्सेप्शनल आइटम विच इज़ 112 करोड़, उस वजह से कंपनी के जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो घटते हुए नज़र आए हैं, जो कि एक कुछ टाइम के लिए इस कंपनी के लिए चिंता का विषय रह सकता है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के प्राइस के अंदर भी आपको कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि शेयर ने अराउंड पिछले एक साल के अंदर 3 गुना से भी ज़्यादा प्राइस हुई है कंपनी की, 4 गुना इवन,
जो 30 रुपये का शेयर था वो अभी आपको करंटली मिल रहा है 123, मीन्स 4 गुना प्राइस हुई है। तो जो जिन्होंने यहाँ से 30 रुपीज़ 35 रुपीज़ के पास से इन्वेस्ट कर रखा था, तो उनकी प्रॉफिट बुकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड नेक्स्ट क्वार्टर के जब तक रिजल्ट नहीं आते हैं तो इसमें कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो आप उस हिसाब से इसमें अपना बाय एंड सेल जो भी आप प्लान करना चाहते हैं उसे प्लान कर सकते हैं। एंड इसी टाइप के और वीडियो एंड कंपनीज़ के रिजल्ट के एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।